दोस्तों, तो दोस्तों मैं अंशुमन सिंह आप सभी दोस्तों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज से मैं ये ई कॉमर्स पे और एआरपी के ऊपर एक पूरी वीडियो सीरीज बनाने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सीरीज आपको काफ़ी पसंद आएगी। और अभी तक मैंने यूट्यूब पे हिंदी में ई कॉमर्स से रिलेटेड अच्छे वीडियो नहीं मिले थे, तो इसलिए मैं इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आज ई कॉमर्स पे एक वीडियो सीरीज बनाने जा रहा हूँ, जो कि कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर्स को किसी न किसी सेमेस्टर में पढ़ना अनिवार्य होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज स्टार्ट करते हैं अपनी स्लाइड को, उसमें बात करते हैं ई कॉमर्स को हिंदी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ई कॉमर्स क्या होता है। तो चलिए देखते हैं ई कॉमर्स क्या होता है। तो दोस्तों, ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इंटरनेट जैसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर व्यापार करने का एक तरीका है। ई कॉमर्स के अंतर्गत वस्तुओं या सेवाओं को खरीद या बिक्री इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे इंटरनेट के द्वारा होता है, या इंटरनेट पर एक तरीके का व्यापार मान लीजिए आप। ई कॉमर्स को व्यापक रूप से इंटरनेट पर उत्पादों की खरीदारी और बिक्री को माना जाता है। तो यह पूरा हमारा जो सिस्टम है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंतर्गत आता है, और इसकी शुरुआत 1960 में यानी कि 1960 से स्टार्ट हुई थी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और अन्य लोग इसके बारे में क्या कहते हैं इस चीज़ के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू केस्टन बाउम और स्ट्रिच के अनुसार, इन लोगों ने कहा था कि ई कॉमर्स इज इंटीग्रेशन ऑफ ईमेल EFT यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, EDI यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, सिमिलर टेक्निक्स इनटू द कंप्रेहेंसिव इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड सिस्टम ऑन ऑफ बिजनेस फंक्शंस, यानी कि ई कॉमर्स व्यवसायिक कार्यों के लिए एक व्यापक इलेक्ट्रॉनिक आधारित प्रणाली है जिसमें ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सभी प्रकार की तकनीकियाँ शामिल हैं या उनका एकीकरण किया गया है। अब बात आती है कि अकॉर्डिंग टू बायर्स गाइड यानी कि बायर्स की गाइड के अनुसार, यानी कि जो भी लोग खरीदारी करते हैं उनके निर्देशन के अनुसार, कि ई कॉमर्स इज यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस पार्टनर्स, यानी कि ई कॉमर्स व्यापारिक भागीदारों के मध्य यानी कि व्यापारियों के मध्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज व्यापारियों के बीच अच्छे और मित्रतापूर्वक संबंध बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं अगले टॉपिक की, तो जिसमें आता है सन 1997 में कोलाकोटा और विंटन्स ने इस ई कॉमर्स के परस्पेक्टिव में कुछ वेज दिए थे, कुछ चीज़ों को प्रदान की थी, जिसमें पहला आता था हमारा कम्युनिकेशन यानी कि संचार परिच्छेद। संचार परिच्छेद के अनुसार ई कॉमर्स टेलीकम्युनिकेशन चैनल्स कंप्यूटर नेटवर्क के आधार पर या संचार के किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर सूचना उत्पाद सेवाओं का भुगतान का विवरण कहलाता है। उसके बाद आता है बिजनेस प्रोसेस। तो व्यापार प्रक्रिया के परिच्छेद के अनुसार ई कॉमर्स व्यापारिक लेन देन और कार्य प्रवाह के स्वचालन की तकनीक का अनुप्रयोग है, यानी कि एक एप्लीकेशन है। बाद में आता है सर्विस। तो इसके अनुसार ई कॉमर्स ऐसे उपकरण को परिभाषित किया गया है जो किसी भी फर्म, उपभोक्ता, प्रबंध की इच्छाओं को संबोधित करता है। यहाँ इच्छाओं से तात्पर्य है कि सेवा लागत कम करना, माल की गुणवत्ता को बढ़ाना और सेवा की गति को बढ़ाना। ये नहीं कि आज हम किसी चीज़ को ऑर्डर किए तो वो एक महीने बाद आए, ऐसा नहीं है। और हमें दिखाई दे कुछ एक अच्छी चीज़, हमें वहाँ पे एकदम बढ़िया हाई क्वालिटी का जूता दिखाई दे, उसके बाद जब उसको हम खरीद के लाएं घर पे तो पहनने में 2 दिन बाद फट जाए, तो ऐसा नहीं है वहाँ पे। बात आता है ऑनलाइन। ऑनलाइन परिच्छेद के अनुसार ई कॉमर्स इंटरनेट और अन्य सेवाओं को उत्पादों को खरीदने और बेचने की क्षमता प्रदान करता है। तो उपरोक्त परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एक ऐसा संसाधन बन चुका है या साधन है जो सेवाओं, सूचनाओं, वस्तुओं के साथ उपभोक्ताओं और फर्मों के हितों को ध्यान रखते हुए सेवाएं प्रदान करता है, जो कि ऑटोमेटिक होता है, जिसकी सहायता से व्यापारिक लेन देन आसान हो जाता है। तो ये हमारा पूरा ई कॉमर्स का फंडा है। तो अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स से
तीन क्षेत्रों में या तीन लोगों को एडवांटेज हो सकता है। पहला होता है बेनिफिट टू ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था को क्या क्या लाभ हो सकता है। बेनिफिट टू कंज्यूमर्स यानी कि जो कस्टमर है, जो बॉयर्स हैं, उन्हें क्या क्या लाभ हो सकता है। बेनिफिट टू सोसाइटी यानी कि एक समाज को ई कॉमर्स के जरिए क्या क्या लाभ होते हैं। तो इनमें हम एकदम एक्सप्लेन करेंगे ब्रीफली। तो सबसे पहले बेनिफिट टू ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिख दिया, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन मैं इस सारी चीज़ों को हिंदी में डिफाइन करने वाला हूँ। यानी कि संगठनों को ई कॉमर्स के प्रमुख लाभ जो भी दिखाई दे रहे हैं, तो पहला आता है ई कॉमर्स के माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन को या राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय विस्तृत बाजार का न्यूनतम लागत में प्राप्त होता है। इससे संगठन आसानी से अधिक ग्राहकों और श्रेष्ठ आपूर्तिकर्ताओं के पास पहुँच जाता है, और जिसे व्यवसायी या भागीदारी में खोज सकते हैं पूरे ग्लोब पे। फिर आता है ई कॉमर्स कागज आधारित सूचनाओं को बनाने, प्रोसेस करने, वितरण करने, संचित करने और उन्हें पुनः प्राप्त करने की लागत बहुत कम हो जाती है। ई कॉमर्स अति विशिष्ट व्यवसाय को बनाने की क्षमता प्रदान करता है। ई कॉमर्स इन्वेंट्रीज को कम करने की अनुमति प्रदान करता है। ई कॉमर्स द्वारा उत्पाद सीधे ग्राहक तक पहुँचता है, अतः इसमें मध्यस्थता कम होती है। ई कॉमर्स द्वारा टेली कम्युनिकेशन की लागत भी कम होती है, और जिसकी वैल्यू एडेड नेटवर्क की अपेक्षा इंटरनेट बहुत सस्ता है। ई कॉमर्स के लिए मानवीय शक्ति की कम आवश्यकता होती है, अतः कम कर्मचारी वाले संगठनों के लिए भी यह समान रूप से उपयोगी है। ई कॉमर्स द्वारा ऑर्डर क्रियान्वयन व भुगतान प्राप्ति में अत्यंत कम समय लगता है। यानी कि अगर आप कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं तो बहुत कम से कम समय लगता है। तो अब बात करते हैं बेनिफिट टू कंज्यूमर्स यानी कि ग्राहकों को क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। तो यह पहली चीज़ तो साल के 365 दिन और 24 घंटे अपनी सेवाओं को प्रदान करता रहता है, और ई कॉमर्स ग्राहकों को अनेक व्यापारियों से अनेक उत्पादों को चुनने की सुविधा भी प्रदान करता है। उसके बाद ई कॉमर्स ग्राहकों को विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध उत्पाद की तुलना करने में और श्रेष्ठ उत्पाद को यानी कि बढ़िया से बढ़िया जो मार्क प्रोडक्ट है उसको भी चुनने में ये सहायता प्रदान करता है। ई कॉमर्स कुछ मामलों में विशेष रूप से डिजिटलाइज्ड उत्पादों के साथ त्वरित वितरण की अनुमति भी प्रदान करता है, मतलब जल्दी से जल्दी वितरण किया जाए, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और अब बात आगे आती है कि ई कॉमर्स ग्राहक के आभासी नीलामी यानी कि वर्चुअल ऑप्शंस, जो भी ग्राहकों का वर्चुअल ऑप्शंस होता है उसमें भाग लेने में संभव बनाती है। यानी कि उस पर जो दिखाई देता है कि नीलामी होती है किसी ऑनलाइन साइट पे, तो वो सारी चीज़ें वर्चुअल ऑप्शंस के अंतर्गत आती हैं। ई कॉमर्स कुछ माल को न्यूनतम कीमत पर बेचे जाने की अनुमति भी प्रदान करता है, अतः जो ग्राहक वांछित उत्पाद का प्रयोग कर रहे हैं उसलिए उसके अनुभव को भी जानना उन्हें ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं इसी बीच में, और किसी सोसाइटी या संस्था समाज को क्या लाभ है ई कॉमर्स के जरिए। कस्टमर नीड नॉट टू ट्रेवल शॉप ए प्रोडक्ट दस लेस ट्रैफिक ऑन रोड एलो एयर पोल्यूशन। यानी कि अगर कोई कस्टमर या कंज्यूमर चाहता है कि उसे ट्रेवल ना करना पड़े, तो ऐसी स्थिति में वो वहाँ से ई कॉमर्स का यूज़ करेगा, वहाँ से सामान खरीदेगा, और जिससे वो ट्रैफिक और एयर पोल्यूशन से बच सकता है। ई कॉमर्स हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सो लेस एफ्लुएंट पीपल कैन आल्सो अफोर्ड द प्रोडक्ट। यानी कि ई कॉमर्स जो है यह माल को न्यूनतम कीमत पर बेचने की भी अनुमति प्रदान करता है, अतः कम समृद्ध लोग भी इससे खरीद सकते हैं, अपने जीवन स्तर में भी वृद्धि कर सकते हैं। अब बात आती है ई कॉमर्स हैज इनेबल्ड रूरल एरियाज टू एक्सेस सर्विस देन प्रोडक्ट विच इज अदरवाइज नॉट अवेलेबल देम। यानी कि ई कॉमर्स लोगों को तीसरी दुनिया में के देशों में व्यापार करने में सक्षम बनाती है, और शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में भी वो उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं जो कि वहाँ पे अन्य माध्यम से अवेलेबल नहीं हो सकते। ई कॉमर्स हेल्थ केयर, शिक्षा, सरकारी सामाजिक सेवाओं और वह कम लागत व उच्च गुणवत्ता तक साथ वितरित करने की भी सुविधा प्रदान करते हैं। अब बात आते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो भाई अगर किसी चीज़ के एडवांटेज हैं तो उसके डिसएडवांटेज जरूर हैं।
चाहे वो कम मात्रा में हो या ज़्यादा मात्रा में, लेकिन रहेंगे ज़रूर। तो अब बात करते हैं नॉन टेक्निकल डिसएडवांटेजेस की और टेक्निकल डिसएडवांटेजेस की। तो ई कॉमर्स में यही दो हैं कि नॉन टेक्निकल डिसएडवांटेजेस क्या है और टेक्निकल डिसएडवांटेजेस क्या है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं नॉन टेक्निकल डिसएडवांटेजेस की। तो नॉन टेक्निकल डिसएडवांटेजेस में आते हैं इनिशियल कॉस्ट। अब इनिशियल कॉस्ट क्या होती है, यानी कि प्रारंभिक लागत। इन हाउस ई कॉमर्स एप्लीकेशन को बनाने की लागत बहुत अधिक हो सकती है। ई कॉमर्स एप्लीकेशन को शुरू करने के लिए या करने में गलतियों और अनुभव की कमी के कारण देरी हो सकती है, तो पहला ये आता है। फिर दूसरा आता है यूज़र रेजिस्टेंट, यानी कि यूज़र का प्रतिरोध। चेहरा विहीन विक्रेता होने पर यूज़र साइट पर विश्वास नहीं करता, अतः अविश्वास यूज़र को भौतिक स्टोर से ऑनलाइन अथवा आभासी वर्चुअल स्टोर के निकट आने से रोकता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति उस चीज़ को देख रहा है, तो अब उसमें अगर वो पहले ही ऑनलाइन पैसा दे दिया, बाद में उसे सामान अच्छा ना मिला, तो ऐसे में यूज़र क्या करता है, ऑनलाइन न जाकर ऑफलाइन ही किसी स्टोर से खरीद सकता है। दूसरी आती है सिक्योरिटी और प्राइवेसी। ऑनलाइन लेन देन में सुरक्षा अथवा गोपनीयता सुनिश्चित करना बहुत कठिन है। लैक ऑफ टच और फील टू प्रोडक्ट ड्यूरिंग ऑनलाइन शॉपिंग इज ए ड्रॉबैक। यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आप, तो उस दौरान उत्पादों को छूना अथवा महसूस करने की कमी होती है। ये एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। और अब बात करते हैं इसमें ई कॉमर्स एप्लीकेशन जो भी हैं आर स्टिल एनलॉपिंग द चेंजिंग रैपिडली। यानी कि जो भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन है वह अभी भी विकसित और तेज़ी से परिवर्तित हो रहे हैं। इंटरनेट का उपयोग अभी सस्ता नहीं है। दूर दराज के गांव में रहने वाले अनेक संभावित ग्राहकों के लिए इसका उपयोग करना असुविधाजनक है। तो ऐसे में आप किस पे विश्वास करेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन? बेसिकली दूर दराज के गांव में आज भी लोग ऑफलाइन चीज़ें ही ज़्यादा लेते हैं। उनके पास स्मार्टफोन ही नहीं है, कई सारी इंटरनेट ही नहीं है, तो कहाँ से वो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे? और कई लोगों को तो बैंक में अकाउंट भी नहीं है। अब बात करते हैं टेक्निकल डिसएडवांटेजेस की। तो टेक्निकल डिसएडवांटेजेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे सिस्टम की सिक्योरिटी हो गई और विश्वसनीयता और यानी कि रिलायबिलिटी हो गई, मानक और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का भी अभाव हो गया, अपर्याप्त टेलीकम्युनिकेशन बैंडविड्थ भी हो सकती है, सिस्टम डेवलपमेंट टूल अभी भी विकसित और तेजी से परिवर्तित हो रहे हैं, कुछ मौजूदा एप्लीकेशंस और डेटाबेस के साथ इंटरनेट और ई कॉमर्स को एकीकृत किया जाना कठिन है, विक्रेता और नेटवर्क सर्वर के अतिरिक्त विशेष वेब सर्वर और इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता हो सकती है, कुछ ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर, कुछ हार्डवेयर अथवा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम अथवा अन्य कंपोनेंट के साथ असंगत हो सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये ई कॉमर्स को एकदम पीछे लेके चली जाती हैं, जो कि ई कॉमर्स में बहुत ज़रूरी हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियो में हम ई कॉमर्स को किस तरह से नियंत्रित किया जाता है, ई कॉमर्स के खतरे क्या क्या हैं और साइबर लॉ के बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ हम कई सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो आज के डिस्कशन फोरम में बस इतना ही। तो आज्ञा चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं आगे के लिए वीडियो लाऊं। और बेल आइकन को दबाना मत भूलना आप लोग। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है इस जो चीज़ मैंने यहाँ पे बताई, जो उसमें खामियाँ रह गई हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप से बता सकते हैं। और अगर आप क्लासरूम यूज़ करते हैं तो वहाँ सपोर्ट मैंने दे दिया, यहाँ पे आप क्लासरूम से जुड़ के वहाँ पे असाइनमेंट टेस्ट सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद।